Friends, welcome to Unacademy Catalyst. Do let me know if you are getting my voice, everyone. Everyone, do let me know if you are getting my voice. All, everyone, getting my voice. Jaldi se confirm karo so that we can start the session. And today we are going to discuss a very important thing, that GS section, right? Chalo bhai. I hope ki everyone is getting my voice now. ठीक है ना. चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. बिफोर गोइंग टू द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट यू हैव व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है ना. हिट द प्रेस आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वेरी गुड टाइम, एट अ वेरी रिलेटेड टाइम. एंड दिस इज द ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो अन अकेडमी कैटलिस्ट टू गेट ऑल द एग्जाम रिलेटेड न्यूज एंड द डिटेल PDFs एंड अदर इंस्टेंट अपडेट फ्रॉम अन अकेडमी. We also have some special sessions for everyone. ठीक है ना. You can join those sessions for free of cost. Everyone can join this session. So guys, do join me on Unacademy Plus. Remember that I am teaching live on Unacademy. ठीक है ना. आपका क्वांट्स का सेक्शन और बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ 2020. ठीक है ना. तो मैथ 2020 में मैथमेटिकल स्किल, ठीक है ना, मैथ्स वाला जो सेक्शन नंबर 4 है दैट आई हैव स्टार्टेड एट 12:30 PM. ठीक है ना. 12:30 PM पर ये चीज़ है. एंड द GS सेक्शन आई एम टेकिंग इन प्लस ऑल्सो. ठीक है ना. प्लस में ले रहे हैं जो कि सेक्शन नंबर 5 है. सेक्शन नंबर 5. ठीक है. और दिस इज गोइंग टू स्टार्ट एट 7:30 PM. ठीक है ना. 7:30 PM पर मैं क्लास ले रहा हूँ. आई एम टीचिंग लाइव ऑन अन अकेडमी. डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सब्सक्रिप्शन, कैट सब्सक्रिप्शन. यू कैन हैव एनी ऑफ दिस कैट सब्सक्रिप्शन एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ रेफरल कोड ऑप्शन ओवर हेयर. ठीक है ना. तो आपको रेफरल कोड इस्तेमाल करना है Shailendra1903. ठीक है ना. बस सिंपल सा एक काम है, Shailendra1903. आप चाहो तो अभी मैट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर 1 month सब्सक्रिप्शन. ठीक है ना. 10% ऑफ हो जाएगा. यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट एंड दिस कॉस्ट विल बी 1350. इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मैट. ठीक है ना. सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे. यू विल बी गेटिंग ऑल द सेक्शंस इन 3150 rupees. फर्दर मोर इफ यू आर गोइंग फॉर कैट 2020, ठीक है ना, कैट 2020 के लिए जा रहे हो तो सेम रेफरल कोड से आप ले सकते हो. यू कैन यूज द सेम रेफरल कोड एंड गेट 6 month सब्सक्रिप्शन और 1 year सब्सक्रिप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द अवर सेक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथ सिलेबस कंपोजिशन. इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैथ कंपोजिशन देन ऑलवेज रिमेंबर देयर इज 5 sections, 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है ना. इसमें इन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग है, देन डेटा एनालिसिस एंड डेटा सफिशिएंसी है, मैथमेटिकल स्किल. आई एम गोइंग टू टेक दिस सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट. सो टुडे सेक्शन इज ऑल अबाउट द इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट. दिस विल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 40 questions एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दिस मैथमेटिकल स्किल इज ऑल्सो हैविंग अ 40 questions एंड दिस बोथ सेक्शंस इंक्लूड 80 questions out of 200. So these are very easy questions. Hai na? Welcome Pratyash. How's you all? Theek hai na? Aap sabhi ko awaaz aa rahi hai na? Everyone getting my voice or not? Everyone getting my voice? अब देखो इसमें क्या है कि आपको इंडियन और ग्लोबल सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पढ़ना क्या है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वेंशनल जीके. कन्वेंशनल जीके कुछ नहीं होता है जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज पढ़ना है, ज्योग्राफी है, साइंस है. ठीक है ना. बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और पॉलिटी के साथ, ठीक है ना, हिस्ट्री सिविक्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी. उसके बाद करंट जीके है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिजनेस नॉलेज एंड इकोनॉमिक जीके है. ठीक है ना. डीवैल्यूएशन एंड अप वैल्यू ऑफ अ रुपी, कैसे रुपीज़ का डीवैल्यूएशन और रुपीज़ का अप वैल्यू किया जाता है, व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बिजनेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ये करंट में आ जाता है आपका, दैट वी विल बी डूइंग इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस. हु का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी रिलेटेड हो, दिस माइट बी कंपनी रिलेटेड, दिस माइट बी पॉलिटिकल रिलेटेड. ठीक है ना. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज ऑफ पॉलिटी नेचर. ठीक है ना. करेंसी एंड कैपिटल ऑफ वेरियस कंट्रीज, स्टेट्स इन इंडिया. ठीक है ना. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, UNO है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. मॉनिटरी एंड फेशियल टूल्स आपको पता होने चाहिए. एम्बलम के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड द कंपनीज लोगोज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस इज व्हाट द बेसिक सिलेबस ऑफ योर इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट इज.
राइट एंड वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस विल रिक्वायर टाइम टू कम्प्लीट इन ए वेरी डिटेल. और तब भी कोई भी चीज़ कम्प्लीट नहीं होगी, क्योंकि UPSC वाले पढ़ते हैं एंड दे नो दैट कि पूरे एक साल पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं. ठीक है ना, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. वाई GK इज इम्पॉर्टेंट, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है. आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है. ठीक है ना, अब ज़बरदस्ती करने का मतलब है कि अगर आप ब्लाइंड मार रहे हो, ठीक है ना, गेस वर्क करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. और ये सबसे कम टाइम लेता है, दिस सेक्शन टेक द लीस्ट टाइम. ठीक है ना, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पेपर एनालिसिस 2018 दिसंबर 2019 एंड फेब्रुवरी 2020, तो यहाँ पर स्टैटिक से 4 क्वेश्चन आए थे, यहाँ वन ही क्वेश्चन आया. देखो फेब में वन ही क्वेश्चन आया. सो वॉट इज द मेन थिंग इज द करेंट अफेयर्स. अगर आपने करंट ही तैयार कर लिया ना तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है ना, अब 40 में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट के आते हैं, मानकर चलो 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट, तो आपको करंट पर फोकस करना है. वी हैव टू वर्क ऑन करंट ओनली. ठीक है ना, करंट से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक GK आएगा दैट आई विल बी डिस्कसिंग ओवर देयर. ठीक है ना, उसी समय मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा. सो गाइज, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? Everyone got this point. Now let us move to the sectional area. तो economics की अगर मैं बात करूँ तो economics के 2020 में question आए थे 4. ठीक है ना, sports related questions were 6. देन पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे 3. पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन गवर्नमेंट स्कीम्स 3 थी. ये सब करंट से ही पूछा जा रहा है. ठीक है ना, बिजनेस एंड कॉरपोरेट का 1 क्वेश्चन था. इंटरनेशनल न्यूज़ 10 क्वेश्चंस थे. एंड साइंस एंड टेक में 5 क्वेश्चंस आए थे. मिसलेनियस जो थोड़े बहुत आपके जो कन्वेंशनल GK जिसको आप बोलते हो वो 8 हो गए थे. सो बेसिकली वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट इज दैट यू हैव टू प्ले वेरी मच अटेंशन ऑन करंट. ठीक है ना, करंट अफेयर्स में पिछले 6-7 महीने में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ एंड वी हैव टू डिस्कस सम वेरी गुड क्वेश्चंस. चलो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सब लोग आंसर मार्क करेंगे. एवरीवन हैज टू गिव द आंसर. द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ इंडिया आर परफॉर्म बाय, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कौन परफॉर्म करता है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है. आप सभी को पता है दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है ना, जिसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई. ठीक है ना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. एंड ऑल द फाइनेंशियल फंक्शंस, बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस कहाँ से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं. ठीक है ना, दीज आर द बेसिक बैंक्स. ये तो बैंक्स हैं, इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना है आपको. ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई है. कौन है इस समय चीफ, चीफ कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ RBI, गवर्नर ऑफ RBI श्री शक्तिकांत दास. ठीक है ना, शक्तिकांत दास. ठीक है ना, शक्तिकांत दास इस समय क्या है, गवर्नर है यहाँ पर. ठीक है ना, इनसे पहले कौन थे, उर्जित आर पटेल. ठीक है ना, इनसे पहले कौन थे, रघुराम राजन थे. तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे पीछे भी पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिल्ट एज मार्केट. ठीक है ना, गिल्ट एज मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होती है. दिस मार्केट डील्स विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है ना, जितने भी सरकारी प्रत्याभूतियाँ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, दैट ऑल आर डिस्कस अंडर द गिल्ट एज मार्केट. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, गिल्ट एज मार्केट का मतलब समझ में आया. गिल्ट एज मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट दैट डील्स विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली. ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से डील करती है. उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इन द लास्ट डीके Which one among the following sector has attracted the highest foreign direct investment? देखो अभी FDI के बारे में information चल रही है और अभी भारत सरकार ने भी कई सारी FDIs को लागू किया है और FDI की range को बढ़ाया है. So guys, which one of the following sector has been given the maximum FDI? तो ये आपको पता होना चाहिए. और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि telecommunication is the sector that has received the most foreign direct investment. ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज़्यादा रिसीव किया गया है, दैट इज़ बीन रिसीव बाई टेली कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है ना, टेली कम्युनिकेशन इधर दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है ना, कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी आप रख सकते हो. बहुत सारे हैं, कई सारे कोलेबोरेशन हुए हैं. अभी एक रिसेंट कोलेबोरेशन आपने देखा होगा FB और Jio का. ठीक है ना, फेसबुक और Jio ने अभी रिसेंटली किया है इसके ऊपर आपका किया गया है. ठीक है ना, अच्छा इससे पहले क्या हुआ था, वोडाफोन और HSR का हुआ था. हच और वोडाफोन आइडिया का यूनियन हुआ है. ठीक है ना, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड.
ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ मिला है, टेली कम्युनिकेशन पर आया हुआ है, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कम हो जाना, कम हो जाना मतलब कमी करना किसी चीज में। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट गाड़ी की जो कॉस्ट होती है वो डेप्रिशिएट होती है, राइट। हाँ आदित्य, तो वो फेसबुक और जियो के साथ हुआ था, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द डेप्रिशिएशन। सो डेप्रिशिएशन इज द लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम, ठीक है ना। टाइम के साथ साथ किसी की चीज में कमी हो जाना ड्यू टू वियर एंड टीयर इज नोन एज डेप्रिशिएशन, ठीक है ना। ये बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाता है। मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है कि मैकेनिकल सिस्टम में वियर एंड टीयर ज्यादा होता है क्योंकि मशीन चलेंगी, मशीन चलेंगी तो हो सकता है कुछ इक्विपमेंट क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर डिस्ट्रॉय आउट हो जाएंगे तो दैट इज नोन एज द डेप्रिशिएशन। अच्छा, डेप्रिशिएशन इन द बेसिस ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द कॉस्ट, तो हमारी गाड़ी की वैल्यू भी घटती है, देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है ना। अगर वैल्यू ऑफ कॉस्टिंग में भी अगर कमी हो जाएगी तो भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट एवरीवन? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, है ना। आदित्य ने आंसर दिया है सी ऑप्शन होगा, वेरी गुड। सो गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल, बट इट कैन बी चेक्ड इफ। अगर डेफिशिएंट फाइनेंसिंग लीड टू द इन्फ्लेशन, देखो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि फाइनेंसिंग कम हो रही है, कम हो रही है तो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। आप मनी सप्लाई कम कर दोगे, मनी सप्लाई कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन को चेक करने का एक टूल होता है। लेकिन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जब आप करते हो तो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर होता है, हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू द एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई इन द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज एंड ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाई नेशनल डेब्ट पेमेंट ओनली, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिड्यूस द डेफिसिट फाइनेंसिंग। और इस सारी चीज़ों की जब आपको नॉलेज होगी तभी आप इसका आंसर लगाओगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। हम ये सारे काम कर सकते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, टू चेक द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिड्यूस 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 कैश लिक्विडिटी, ठीक है ना। रिड्यूस कैश लिक्विडिटी, अगर आप कैश की लिक्विडिटी को कम कर देते हो देन यू कैन चेक द इन्फ्लेशन एज वेल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इफ ऑल द बैंक्स इन एन इकोनॉमी आर नेशनलाइज, ठीक है ना, एंड कन्वर्टेड इन टू अ मोनोपोली बैंक, देन टोटल डिपॉजिट क्या होगा, बताओ। वॉट विल बी द टोटल डिपॉजिट ओवर हेयर। अगर मैं सारे बैंकों को, इंडिया में जितनी बैंकें हैं उन सारी बैंकों को एक बैंक बनाकर और एक ही बैंक का सारा कर दिया जाए और सारा डिपॉजिट एक जगह कर दिया जाए, तो बताओ इसमें क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। वॉट देयर विल बी इंक्रीज और देयर विल बी अ डिक्रीज। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन देयर इज अ मोनोपोली ऑफ ए बैंक, या किसी भी चीज़ की जब मोनोपोली की जाती है इकोनॉमिक सेक्टर में, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसका इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसका डिपॉजिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट्स डिपॉजिट विल इंक्रीज। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इट्स डिपॉजिट विल गेट सिंपली इंक्रीज। क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है ना, हर बैंक का अपना रेपो रेट होता है, मतलब जो आरबीआई होती है वो रेपो रेट को आपको देती है, ठीक है ना। रेपो रेट सीआरआर डिफाइन करती है एंड आरआर डिफाइन करती है, और यहीं से हमारे पास क्या होता है वो सारी चीज़ें चलती हैं, और एसएलआर भी डिफाइन करती है। एसएलआर समझते हो ना, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया चेंज ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज, हम लोग क्वाइनेज सिस्टम पर कब आए थे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हेन वी वर ट्रांसफर टू द क्वाइनेज सिस्टम, 1957 में हुआ था, अप्रैल 1957 में वी वर ट्रांसफर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज, ठीक है ना। डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज की तरफ हम चले गए थे। क्लियर हो गई बात? ऑन जुलाई 12, 1982 द ARDC इज नथिंग बट द एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट काउंसिल थी, ठीक है ना, वॉज मर्ज इन टू किस में। अब आपको याद होना चाहिए 1982 में चल रहा था सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है ना। सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान था, यहाँ पर सिक्स फाइव ईयर प्लान चल रहा था, और इसी प्लान में नाबार्ड बनाया गया था, ठीक है ना। नाबार्ड याद रखना, नाबार्ड बनाया गया था। नाबार्ड इज नथिंग बट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। दिस बैंक वॉज सेटअप इन 1992 अंडर द 65 ईयर प्लान, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
पी ऑप्शन 19 नाबार्ड हो जाएगा। अच्छा, एक्जिम बैंक जो होता है इसको बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, बिकॉज फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ए आर डी सी इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज मर्ज इन टू नाबार्ड इन 1982 अंडर द 6th 5-year प्लान। नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश अंडर 6th 5-year प्लान। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सारी एग्रीकल्चर की जितनी भी नीड्स थी वो सारा का सारा नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ये तो आप सभी को पता होगा, एवरी वन वुड हैव बीन नोइंग दिस आंसर। जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? कौन सी ऐसी चीज है जो कंपनी की बैलेंस शीट पर नहीं दिखाई जाती, वो नहीं दिखाई जाती है? जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? जल्दी से एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। सभी लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, जीएसएस में कोई दिमाग तो लगाना नहीं है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है ना। दिस डू नॉट फाइंड इन द कंपनीज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर ये चीज़ नहीं आती, ठीक है ना, बैलेंस शीट पर नहीं आती। यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा जाता है, टोटल इशूड कैपिटल लिखा जाता है, कैश हेल्ड इन द बैंक लिखा जाता है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट ऑर नॉट? इन द स्टेट ऑफ इंडिया द स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप। अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन किस चीज़ को असिस्ट करती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको पता होना चाहिए और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो चुकी है। MESE, मीडियम एंटरप्राइज एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के चलते यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, ठीक है ना। कोविड में आपको MESE पर बहुत सारा अनुदान दिया गया है, बहुत सारे आपको सेंक्शंस किए गए हैं जो मॉनेटरी सेंक्शंस हैं। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मेंटेन करता है। नहीं रक्षिता, आई डोंट टेक VARC नहीं लेते, आई टेक ओनली क्वांट्स एंड GS सेक्शन, ठीक है ना। क्वांट्स और GS सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगी दैट आई कैन सॉल्व यू, ठीक है ना। चलो अभी फिलहाल GS वाली बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंभ मेला, बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। एवरीवन, वेयर इज कुंभ मेला सेलिब्रेटेड? सभी लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर। एवरीवन डू लेट मी नो वेयर द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड, जल्दी से बताओ। वेयर इज कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड? एवरीवन डू लेट मी नो वेयर इज कुंभ मेला सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड इन हरिद्वार, सबको पता है हरिद्वार में ही मनाया जाता है, ठीक है ना, हरिद्वार में ये चीज मनाई जाती है। ध्यान रखना जो कुंभ मेला होता है, नहीं कैट में नहीं आता है रश्मिता, कैट में नहीं आता है, लेकिन कैट में एक चीज होती है, कैट के लिए अगर आप सोचो तो आपको वैट देना है अभी, ठीक है ना, वैट देना है और GDPI है आपका, ठीक है ना, GDPI होता है। तो इसके लिए GS बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट 2020 में GS नहीं आएगी, मतलब कैट में GS नहीं आती है, बट कैट इट इज इंपॉर्टेंट। कैट देने के बाद तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, यू हैव टू गिव वैट एग्जामिनेशन एंड द GDPI ऑल्सो, उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। हाँ चलो, आदित्य ने इसका आंसर दिया है। आदित्य ने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नाइट्रोजन, अबाउट द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। देखो आदित्य, ये पूरे ये सारे सही लिखे गए हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। यू विल गेट द आंसर एज डी ऑप्शन, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, ठीक है ना, N2O होती है, दिस इज लाफिंग गैस, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी सही लिखा गया है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है ना, इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है ना। फ्यूम्स देखें आपने, जो इंडस्ट्रियल एरिया में फ्यूम्स होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, वहाँ पर फ्यूम्स आते हैं, ब्राउन कलर का क्लाउड आ जाता है, तो दैट इज़ व्हाट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एंड द ब्राउन कलर ऑफ द क्लाउड, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस, चाहे सारे के सारे सही लिखे गए हैं। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अच्छा, उसके बाद क्या गया कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीएन जंक्शन डायोड आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने अगर फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पीएन जंक्शन बनाते थे, ये हो गया पी, ये हो गया एन। गेटिंग दिस पॉइंट? और अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से और निगेटिव वाले को निगेटिव से जब आप जोड़ते हो, तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो रजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इट रजिस्टेंस बिकम लो, इट्स रजिस्टेंस बिकम लो। अच्छा, प्रीवियस का आंसर दिया है, चलो कोई बात नहीं,
अभी इसका आंसर समझ में आया है? हैव यू गॉट दिस आंसर कि अगर आप पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस करते हो तो आंसर कितना आएगा? इट बिकम्स लो। अच्छा, इसी चीज को अगर उल्टा ज्वाइन कर दो, यहाँ पर हो जाएगा लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस होगा। और अगर आप इसी चीज को उल्टा करके लगा देते हैं, उल्टा करने का मतलब है ये पी है एंड दिस इज एन, और यहीं पर आप बैटरी को रिवर्स कर दीजिए, बैटरी रिवर्स करने का मतलब है उल्टा लगा दो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाओगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये होता है आपका रिवर्स बायस, किसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस, ठीक है ना, रिवर्स बायस। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्लियर। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेशम्स लॉ? चलो आप बताओ ग्रेशम्स लॉ क्या थे, आपको पता है ग्रेशम कौन थे? ग्रेशम वॉज द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ग्रेशम वॉज द एडवाइजर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे ग्रेशम, और इनका कहना ये था कि जो बैड मनी होता है, बैड मनी मतलब जो कि आपने मेहनत से नहीं कमाया है, और वो पैसा मतलब बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में अगर आ जाए, अगर सर्कुलेशन में आ जाए तो वो गुड मनी को ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, गुड मनी को ख़त्म कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बैड मनी इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना, आउट ऑफ सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि आप जो मेहनत से कमाए हो वो चीज उतनी जल्दी खर्चा नहीं करते, जो चीज आपको मिल जाती है और उसको खर्चा करते हो, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है कि बैड मनी जो होता है इट ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। फिर क्या होगा कि आप मतलब पैसा आता जा रहा है, आप खर्च करते जा रहे हो, मेहनत करोगे तो गुड मनी होएगा, और गुड मनी होगा तो क्या होगा, यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग वॉट, यू विल बी नॉट एक्सट्रावेगेंसिंग इट, बहुत ज्यादा उसको खर्चा नहीं करोगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि द वैक्सीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1978। देखिए, ईपीआई जो था 1970 में शुरू हुआ था, और इसमें पोलियो आया था, डिप्थीरिया था और ट्यूबरक्लोसिस था, ट्यूबरक्लोसिस में भी चाइल्ड ट्यूबरक्लोसिस को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 1990 में वी हैव इंक्लूडेड मीजल्स एज वेल, ठीक है ना, तो मीजल्स को बाद में ऐड किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सी ऑप्शन क्यों होगा, इसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें पोलियो था, बहुत सारी डिजीजेस हो गई थी, पोलियो था, टिटनेस भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना, पोलियो एक वायरल डिजीज होता है जो मिक्स, वो पोलियो मिक्सस वायरस से होता है, ठीक है ना, पोलियो मिक्सस वायरस, पोलियो मिक्सस वायरस से होता है, और ये डिप्थीरिया जो होती है, डिप्थीरिया माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होती है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये याद कर लीजिए, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना, बैक्टीरियल डिजीज होता है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कौन सी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ठीक है, और मीजल्स एक वायरल डिजीज होती है, मीजल्स वायरस का डिजीज होता है, क्लियर हो गई बात। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना, और ये डिजीज तो आपको वैसे भी पढ़नी है ना, तो आई विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन डिजीज, अलग से एक सेशन लेंगे डिजीज के ऊपर, ठीक है ना। विच एमंग द फॉलोइंग वॉज द रशिया बॉर्न बुद्धिस्ट, रशिया बॉर्न बुद्धिस्ट मॉन्ग इन तिब्बत वॉज अ स्टडी पार्टनर एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ 13th दलाई लामा, ठीक है ना, तो इनका आंसर आपको याद होना चाहिए, एवेगन एगवन डॉसजीब, डॉसजीब, ठीक है ना, एगवन डॉसजीब, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही वॉज एसोसिएटेड विद द 13th दलाई लामा एंड वॉज बॉर्न इन रशिया। फिर उन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब तिब्बत गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म क्या किया था, वो कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, ठीक है ना। द मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, द नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, ठीक है ना, वॉशिंगटन DC में है ये, ध्यान रखना, वॉशिंगटन DC में है। एंश्योरिंग देमसेल्फ विद विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो आपसे बोला गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है ना, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मोस्ट फेवर्ड नेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब जो अपने देश में करना है वही वहां जाकर करना है, तो दैट इज व्हाट द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इज, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट?
क्लियर हो गई ये बात? तो ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया एंड अदर रिसिप्ट आर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है ना? और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि आर्टिकल नंबर 266 में लिखा गया है, ठीक है ना? आर्टिकल 266 में है, जबकि कंसीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल नंबर 267 में लिखा गया है, ठीक है ना? आर्टिकल 267 में लिखा गया है। और ये यहाँ पर जो पैसा कलेक्ट होता है, यहाँ पर जो पैसा रखा जाता है वो अनफॉरसीन, जैसे मान लो कोई आपदा आ गई, उसके लिए यूज किया जाता है, जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये यूज किया जाता है सैलरी के लिए। ये सैलरी ऑफ एमपीज, सैलरी ऑफ एमपीज, एमपीज की जितनी भी सैलरी होती है यहाँ से दी जाती है, ठीक है ना? उसके बाद प्रेसिडेंट की सैलरी यहीं से आती है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी भी यहीं से जाती है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सारी सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती हैं, ठीक है ना? उसके बाद आता है, बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफिस की। तो देखो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल 266 में है, ठीक है ना? 266 सेकेंड में लिखा गया है, ठीक है? उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है ना? ऑटोनोमस बॉडी है ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसमें आपको आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तीन आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये तीनों आर्टिकल पता होने चाहिए। एवरी वन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सभी लोग को ये बात समझ में आई? एवरी वन गॉट दिस पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। देन अनदर सेशन इज, वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट था, ये अफगानिस्तान में मिला था और वो भी कौन सी केव में, वो भी क्वेश्चन पूछा गया, भूमियान केव, ठीक है ना? भूवियान केव, भूवियान केव में मिला है जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है ना? भूवियान केव में मिला है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो ऑयल पेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इस पर कितने बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं, ठीक है ना? तो वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग हैज़ बीन फाउंड इन द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री में मिला है? दिस इज फाउंड इन अफगानिस्तान। एवरी वन गॉट दिस पॉइंट? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान सा क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट की बात करो तो सबसे पहले जो आंसर आता है उसे बोलते हैं गुजरात, ठीक है ना? इसकी लगभग 1600 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन है, 1600 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। उसके बाद आता है आंध्रा प्रदेश, आंध्रा प्रदेश में आ जाती है 974, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका केरला, ठीक है ना? केरला हो जाता है, केरला में भी आप याद कर लो, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 580 किलोमीटर्स, ठीक है ना? और उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की लगभग लगभग 10 मतलब 1000 के आसपास है, 1075 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कोस्टल लाइन्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इज ऑफ गुजरात। एवरी वन गॉट दिस पॉइंट? तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें पता है, ये चीज़ें जनरल चीज़ें होती हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये चीज़ें आपको रट नहीं सकते, यू हैव टू रिवाइज एवरी डे। और कभी ना कभी जब आप एवरी डे इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो ये चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं, और 10 दिन बाद अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ये सब निकल जाएगा, ठीक है ना? हमें भी ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, बट वी वॉट वी डू वी रिवाइज ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है ना? तो ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरी थिंग, वॉट एवर यू स्टडी डू रिवाइज देम, ठीक है ना? थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम टीचिंग लाइव ऑन अनअकेडमी, ठीक है ना? आप मुझे फॉलो कर लो अनअकेडमी पर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, एंड यू कैन मैसेज मी ऑन अनअकेडमी एज वेल, ठीक है ना? आप मुझे अनअकेडमी पर मैसेज कर देना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्शन फोर, ठीक है ना? जो कि आपका मैथ्स वाला है, एंड अनदर सेक्शन 5, ठीक है ना? जो जीएस वाला है। आई विल बी टेकिंग मोर इलेबोरेटेड सेशन ऑन जीएस आल्सो ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है ना? अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा वो दिया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब कल से हम लोग और डिटेल में ये चीज़ को पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली वी विल बी ट्राई टू कम्प्लीट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 क्वेश्चन इन वन सेशन, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आई कैन डिलीवर टू यू, ठीक है ना? सो गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग द क्लासेस। थैंक यू एवरी वन, गुड।